मम्मी को मतलब 10 दिन बाद डिस्चार्ज मिल रहा है। तेरी मम्मी भाई बहुत दिनों बाद हमारे साथ में है। और मम्मी ऑल ठीक, सब बढ़िया एकदम, ऑल गुड। अभी एकदम और वेलकम सो हेलो गाइज, व्हाट्स अप, जय श्री राम। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो यू गाइज आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल भरत ब्लॉग्स। सो गाइज आज भाई लगभग है ना कितने 10 दिन बाद हो रहा है भाई मम्मी को मतलब 10 दिन बाद डिस्चार्ज मिल रहा है हॉस्पिटल से फाइनली। सो भाई आज हम जाएंगे घर पे लगभग 10 दिन बाद। सो चलिए, बहुत ही एक्साइटमेंट से हो रही है भाई मम्मी को घर पे लेके जाने में, और मम्मी भी बहुत खुश है भाई, बिकॉज मम्मी भाई 10 दिन बाद घर पर जाएगी, विशाल, जगदीश, दीदी सबसे मिलने वाली है भाई। सो बहुत ही मज़ा एक्साइटमेंट सा हो रहा है अभी फ़िलहाल भाई, वो सब डिस्चार्ज की प्रोसीजर चल रही है सब, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। सो बस कुछ ही देर, 1-2 घंटे में फिर हम लोग चले जाने वाले घर पर। सो ब्लॉग देखने एंड तक, बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, अभी फ़िलहाल मैं हूँ भाई हमारे हॉस्पिटल के जस्ट बाजू में, ये गार्डन है, सो वहाँ पर हूँ मैं। सो फिलहाल देख सकते हो ये वाला गार्डन, यहाँ पर भाई है ना शाम के 5 बजे ना सब बच्चे लोग आते हैं छोटे मोटे, जो यहाँ पर स्केटिंग करते हैं, सब पूरा यहाँ पर स्केटिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पर बैठने वगैरह के लिए जगह भी है, और जस्ट एग्जैक्ट बाजू में जो कि आप देख सकते हो समंदर है। ओके, और भाई रात को और भी मस्त दिखता है, बिकॉज लाइटिंग वगैरह सब ऑन होती है ना, सो रात को एक नंबर दिखता है, मस्त दिखता है। ओके, सो यू कैन सी भाई मस्त छाव वगैरह भी है, मस्त बैठो आप भाई, मस्त नेचुरल हवा आएगी वहाँ से। सो सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कहीं कभी कभार तो भाई हम लोग भी यहीं पर आया करते थे भाई टाइम पास करने के लिए, बिकॉज वहाँ पर झूला वगैरह भी है ना इसीलिए। सो लेट्स गो भाई, भाई ने हमारे लिए झूला पकड़ के रखा है, सो हम भी झूला झूलेंगे। ओके, सो उस टाइम मैं गया था देखने के लिए, बट मेरे को झूला खाली नहीं मिला सर, अभी झूला खाली है, अभी अपन झूलेंगे। ओके, और देखो सामने ही है। ओके, सो गाइस चेक दिस भाई, ये झूला जो कि भाई हमको इसमें हम टाइम पास करेंगे, जब मैं आता ना तब भाई झूला पैक था, फुल था, बट अभी हमको खाली मिला, भाई ने संभाल के रखा भाई हमारे लिए, तभी हम मस्त था पर झूला झूलेंगे मस्त। वो गाइज अभी हमारे ग्रुप में एक बंदा, दो बंदे मिसिंग है भाई, पप्पा और मामा, सो हमने उनको भी बुलाया है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर झूला झूलेंगे। सो मामा को कॉल किया, अभी मामा को बुला रहे भाई, शॉर्टकट यहाँ से आ जाएंगे, देखो यहाँ से आ जाएंगे, वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो 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 बुलाओ, वो देखो भाई दोनों आ गए मस्त में। एक झूले पे 4 दिन कैसे आएंगे, झूले पे बैठने के लिए बुलाया। सो गाइस फाइनली हमारा सब प्रोसीजर जो कि भाई कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर हमने सब साफ सफाई वगैरह भी कर दी है, बैग में सब चद्दर वगैरह भर दिए भाई, 10 दिन बाद जा रहे हैं भाई यहाँ से, और मम्मी को भी बहुत एक्साइटमेंट सी हो रही है। फिलहाल सब हो चुका है प्रोसीजर वगैरह, बस थोड़ा टाइम लग गया चेंजिंग वगैरह करने में, फिर मम्मी भी आ जाएगी नीचे। सो बस अब पता नहीं यहाँ पर फिर कब सोने मिलेगा। सो और बीच के ही बहुत मजे लिए हमने भाई, यहाँ पर मस्त पे खाया पिया, यही 10 दिन भाई यहाँ पर बहुत मजा आया, ये जगह याद रहेगी भाई हम लोग, ये जगह याद रहेगी। ओके, तो चलो थोड़ा बीच वगैरह घूम, चलो थोड़ा बीच वगैरह भी घूम लेते हैं, फिर कब आने का मौका है मिलेगा नहीं इसीलिए। ओके, तो गाइस लास्ट बार आप भी देख लो भाई इस ब्रिज को, सामने वर्ली सीलिंग जो कि दिख रहा ही नहीं भाई, ये देखो, एक मिनट जूम करो क्या, ये देखो। ओके, एक मिनट, हाँ ये बीच को, यहाँ पर कबूतर वगैरह है जो कि, ये देखो ये हॉस्पिटल, ये बीच, यहाँ पर हमने बहुत कुछ खाया पिया, सब याद रहेगा सब। ओके, सब याद रहेगा, फिर पता नहीं यहाँ पर कब आना जाना होएगा भाई, वैसे तो भाई 1 हफ्ते बाद आना ही है डॉक्टर से मिलने के लिए, बिकॉज रिपोर्ट वगैरह चेक करानी है ना, सो वापस 1 हफ्ते बाद तो आना ही पड़ेगा हम लोग को, सो तभी भी वापस देख लेंगे और क्या। बाकी बहुत मज़ा आया इस बीच पर, इस हॉस्पिटल पर, यहाँ पर रहना, खाना पीना सोना, नेक्स्ट लेवल, मज़ा आ गया। सो गाइज यहाँ से जाते जाते भाई हम इसका, ये भाई का चाय और भजिया हम खा कर जा रहे, पी कर जा रहे, और भाई एक कप में है ना चाय पीने का अलग ही मज़ा है, फिलहाल चाय वगैरह पी लेते हैं मस्त। सो गाइज फाइनली ये भाई हम लोग
करा लिए मम्मी को डिस्चार्ज भाई। सो फिलहाल ये मम्मी भाई बहुत दिनों बाद हमारे साथ में है और फिलहाल बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा भाई, 10 दिन बाद मम्मी को बाहर का नजारा देखने मिल रहा है। प्लस हम लोग अभी ना अभी मम्मी को यहाँ पर बीच के साइड लेके आए थे, बीच के साइड सो मम्मी को यहाँ का नजारा वजारा दिखा रहे थे और ये भाई मम्मी की सब फाइल वगैरह सब पकड़ के खड़े है। सो फिलहाल मम्मी ऑल ठीक, सब बढ़िया एकदम, ऑल गुड, अभी एकदम ऑल गुड। अभी फिलहाल हम जाएंगे घर पे, तो चलिए। और हमारे तारा जी पीछे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तारा जी पापा पीछे पीछे वीडियो बना रहे हैं हमारा पीछे। तो चलिए गाइस, बहुत ही खुश है सब भाई और ये जगह भी हमको याद रहेगी, सब बहुत मजे किया था यहाँ पर 10 दिन वगैरह। छोटा का नाम क्या है? चलो चलते घर पे। नाम क्या? सो यहाँ से जाते वक्त भाई हम सब जो हमारा नीचे का था ना व्हाइट व्हाइट फुट्टा, सो मामा वहाँ पर रख ले, बाकी किसी को जरूरत वगैरह पड़े तो उसके बाद सो सके वो, बिकॉज बहुत ही अच्छा है वो, जाड़ा एकदम, सो नीचे चुभेगा नहीं। और हमारे पास हमारे 2 बैग थे जिसमें चादर वगैरह सब भरी हुई थी, तो सब रख देते हैं और फिर चलते हैं। और ठंडी ठंडी हवा आ रही है। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं भाई चल चल के, पैदल चल चल के, बिकॉज भाई हमको टैक्सी नहीं मिल रही है। मैं, मामा, दिनेश भाई हम लोग सब चल के जा रहे हैं, बाकी पप्पा वगैरह, मम्मी को तो एक टैक्सी मिल गई तो उन लोग उसमें जा रहे हैं, बाकी हमको तो भाई टैक्सी नहीं मिल रही भाई। हम लोग जहाँ जाना है ना हमको, वहाँ का नाम सुनते ही लोग मुंडी ला रहे हैं। सर नहीं, मैंने बोला क्यों भाई ऐसा बोलते हैं, ट्रैफिक बहुत लगता है इसीलिए। मैंने बोला वाह। तो फिलहाल हम लोग दोनों, हम तीनों पैदल ही जा रहे हैं, पप्पा और मम्मी तो चले गए। सो वैसे मम्मी को ही भेजना था टैक्सी में, चलो ठीक है अपन तो पैदल चले जाएंगे और क्या, बाकी मम्मी के लिए टैक्सी चाहिए था, सो उनको तो मिल गई। ओके सो लेट्स गो, आज लास्ट बार मुंबई दादर की सड़कों पे घूमते हैं, फिर क्या पता आना होगा नहीं आना होगा। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए घर पर। रुक जाना, पहले मम्मी को अंदर एंट्री लेने दो यार। हाँ रुक जा, रुक जा, पहले मम्मी अंदर आएगी, रुक जा पहले मम्मी अंदर आएगी, बंद करो। पहले दरवाजा खोल दिया इन्होंने, रुक जा रुक जा रुक जा, पहले मम्मी को एंटर लेने दो यार, मम्मी थोड़ा धीरे धीरे आ रही है। गाइस आप जब देख सकते हैं धीरे 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 कदम अपने घर की तरफ बढ़ाते हुए है, लक्ष्मी जी ये हाल है। सॉरी अस्मतियो मां ठोकला मत मां आले। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मौसी ने घर में एंट्री लेने वाली है। चलो ले मम्मी अंदर एंट्री, तो सब जगह अपने चप्पल जूतिया खोल लो, चल अंदर एंट्री ले। और अभी वेलकम, अरे यार फटाफट ही पूछियो, अरे चलो वाओ, मैं गम नहीं किया, अब पुलिस आता ही ना। लेट हो रहा यार, कोई नहीं, फाइनली सिस्टम बंद करो, सिस्टम बंद करो, अभी भाई झाड़ू मार रहा है, थोड़ा मांगना